जी प्रश्न, जिस तरीके से आपको सब लोग मामू मामू कह के बोलते हैं, इससे क्यों बोलते हैं ऐसा? तो आप सब वर्गों को लेने लेके चलने का आप विश्वास रखते हैं? जब आपके बारे में हमने बात की तो यही बोल रहे थे कि दिवाली त्योहार आने को भी 4 दिन है और हर डिवीजन में मामू के लिए दिवाली दिख रही है। और मैं सालारे मिल्लत का शागिर्द हूँ, काम कैसा करना कैसा करवाना मुझे आता है और इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। नखीब मिल्लत की रास निगरानी में, हबीब मिल्लत की निगरानी में मैं काम करूंगा। और बात चीज़ें मुझे नए बदल भी गए, वो भी मैं उनसे देख लूंगा कैसा करने का है। मच्छी के बच्चे को तीरना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मच्छी के बच्चे को तीरना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद अपना तैरना सीखता है। दो मामू का जिक्र हो रहा है, एक तेलंगाना के मामू एक चार मीनार के मामू, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। आज सदर मोहतरम आज दौरे के दौरान इंटरव्यू में कह दिए, चार मीनार में ये मामू जीतेंगे, तेलंगाना में वो मामू जीतेंगे, ये बोल दिए सदर मोहतरम। वो मामू तेलंगाना में, ये मामू चार मीनार में। केसीआर साहब तेलंगाना में, ये मामू जो है सो चार मीनार में, ये दोनों जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जरूर। चारमीनार सीधे बातचीत करने के लिए AIMIM के चारमीनार विधानसभा के प्रत्याशी मीर जुल्फिकार अली जी मौजूद है, आइए सीधे बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको AIMIM ने टिकट दिया है भरोसा करके। जिस प्रकार से आप एक AIMIM पार्टी में कई समय गुजार दिए है, पूर्व में आप मेयर भी रहे हैं, कैसा माहौल दिख रहा है जनता में? आप जब मिलने जा रहे हैं तो क्या मुद्दे दिख रहे हैं? और जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आपके लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं, जनता में क्या माहौल दिख रहा है आपको? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब उस समय सालार साहब का हाथ पकड़ के सियासत सीख रहे थे तो उनका आपको आशीर्वाद था, तो क्या दिखता था? और आज के पीरियड में अब जब आप विधायकी का आपको टिकट ओवैसी साहब ने दिया है तो क्या महसूस करते हैं आप, दोनों के बीच में अंतर? देखिए, मेरा ताल्लुक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, स्कूल से, ज़माने से मेरा इस ताल्लुक रहा है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन से ही सालार को बहुत चाहता था और मेरी ये ख्वाहिश रहती थी कि मैं इनके करीब आऊँ। एक मर्तबा मैं स्कूल में था, इलेक्शन का पीरियड था, सालार दौरे पर आए थे,
और आकर जहाँ से चले गए। जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी वालदा मेरे खालाएँ कहे, अरे तुम्हारे सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने कहा तुम्हारे सलाहुद्दीन साहब की मैं बेहद चाहता था, आके गए तो यकीन मानिए मैं इतना रोया उस दिन, मैं उनसे मुलाकात नहीं किया। लेकिन अल्लाह ताला का इतना फजल व करम हुआ कि मैं उनके इतने करीब हो गया कि वो हमेशा मेरे साथ ही कहीं पर जाते थे, मेरी गाड़ी में जाते थे, और जहाँ भी गए ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि अजला के दौरों पे भी जब जाते थे तो मुझे उन्होंने ले जाना शुरू किया। उस वक्त रहमत हुसैन जैदी साहब भी उनके साथ जाते थे दौरे में, हमारे अहमद पाशा खादिर साहब जो हमारे एमएलए और जनरल सेक्रेटरी है वो भी सालार के साथ जाते थे, और तीसरा आदमी जब जमात में मैं गया, जब तीसरा आदमी मैं वहाँ पर ज्वाइन हुआ, सालार के साथ गाड़ी भी चलाता था, उसका सालार की जीप, उनके साथ भी मैं जाता था दौरों पे। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे इतना करीब उनके लाया और मुझे मेरे में जज्बा था कौम का खिदमत करने का, वो जज्बा ही और सालार की मोहब्बत ही मुझे इस मुकाम तक लाई। सियासी जीवन जिस तरह से आपको मेयर बनाया गया, उसके बाद दूसरे चुनाव भी लड़ने की बात आ रही है, तो इसके बारे में विस्तार से देखिए, जब बल्दिया का इलेक्शन कई साल के बाद डिक्लेयर हुआ, कोर्ट हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाईकोर्ट के ऑर्डर पर 1986 में फरवरी में इलेक्शन हुआ। उससे पहले बल्दिया डिसॉल्व कर दी गई थी, तेलंगाना एजिटेशन के बाद से इलेक्शन नहीं हुए थे। फिर 1986 में इलेक्शन हुआ कोर्ट के ऑर्डर पर। जब इलेक्शन हुआ तो मुझे यहाँ से टिकट दिया गया, यहाँ से। उस वक्त के भी एक, ये भी एक आपको किस्सा सुनाऊंगा, एक बहुत ही मशहूर साबेखा काउंसलर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ते थे वो, और बहुत ही इस एरिए में, घासी बाजार एरिए में उनका बहुत ही नाम था, और हमेशा जब तक कवलिया जब थी वो जीत रहे थे। तो उन्होंने भी दारुसलाम को आकर सालार से मुलाकात की और सालार से उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूँ बल्दिया का। वो सालार के साथ भी जब सालार काउंसलर थे उस वक्त भी सालार के साथ बल्दिया में थे, तो सालार ने कहा बिल्कुल वेलकम, आप लड़िए, पहले मेंबरशिप जमात के लिए लीजिए। उन्होंने कहा मैं मेंबरशिप के लिए नहीं आया, मैं आपको ये बोलने के लिए आया कि मैं आज़ाद लड़ रहा हूँ और एरिया में मेरा काफ़ी होल्ड है, और आपको बोलने के लिए आया हूँ कि मैं लड़ रहा हूँ कि आप किसी को मत ठहराइए। साला बोले आप जमात से लड़िए, मैं टिकट देता हूँ। तूने कहा नहीं नहीं मैं मेरे फॉलोअर्स को नाराज़ करना नहीं चाहता। तो झट से सालार के यही अल्फाज थे, एक बेबाक खायत थे वो, एक निडर खायत थे और दूरअंदेश खायत थे, सियासी बसीरत काफ़ी थी सालार में। उन्होंने कहा जाइए आप, जब आप अपने फॉलोअर्स को वो करना नहीं चाहते तो मैं अपने फॉलोअर्स को भी नाराज़ करना नहीं चाहता, इंशाल्लाह आपके मुकाबले में मैं एक बच्चे को ठहरा कर आपको हराऊंगा, बच्चे को आपके मुकाबले में मैं डालूंगा और आपको शिकस्त दूंगा। ये सालार के अल्फाज थे और वैसी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब इलेक्शन के नतीजे आए, यहाँ पर उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी उनकी जानिब से बॉम्ब्स भी डाले गए यहाँ पर मेरे हलके में, 3-4 मुकामात पर बॉम्ब डाले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में वो जोश था मजलिस के ताल्लुक से और मेरे ताल्लुक से, और जो भी उम्मीदवार जब यहाँ पर आते थे हर घर से यही आवाज़ आई कि यहाँ से हमारा बच्चा लड़ रहा है, हम आपको वोट नहीं देंगे। ये मैं वल्लाह आपको सही कह रहा हूँ, अगर आप भी आप जाके अगर इस वक्त पुराने लोग यहाँ पर होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं एरिया में, कि हर घर में जब भी कोई जाता था कोई दूसरा उम्मीदवार तो पहले तो उसको आने नहीं देते थे गलियों में, जब आ भी जाते थे किसी को लेकर, हर घर से यही कहा जा रहा था कि हमारा बच्चा लड़ रहा है, हम आपको वोट नहीं दे सकते, और किसी को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी आवाम यहाँ पर। उस वक्त मेरे मुकाबले में कोई उम्मीदवार, किसी जमात का उम्मीदवार हल्के 4 महल में, हमारे हलकों में, जहाँ जहाँ हमारी आबादी हमारे हलकों में, किसी का जलसा नहीं हुआ। ये मुझे फ़ख्र है
और आज भी वो आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मोहब्बत मेरे ताल्लुक से, मजलिस के ताल्लुक से उनके दिलों में थी और आज है, जो लोग अब है उनमें भी है, जो लोग थे उनमें थी, आज उनकी औलाद है उनमें भी है, वो मोहब्बत आज भी बरकरार है। आप देख रहे होंगे कि जलसों में आज दौरों में हमारे अवाम में किस तरह का जोश और वलवला है, जो मोहब्बत जो दिखा रही है अवाम आज मेरे ताल्लुक़ से और जमात के ताल्लुक से और सदर मजलिस नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ताल्लुक से, आप देख सक रहे थे एक वलवला अंदाज में अवाम अपने घरों से निकल कर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा काम हो रहा। उस वक्त बम गिरने के बावजूद मेरी कामयाबी हुई तकरीबन 960 वोटों से मैं जीता। और जो उस वक्त आए थे सालार से, मैं कह रहे थे कि मैं पुराना काउंसलर हूँ। उस वक्त कांग्रेस की भी यहाँ पर ज़माना जब्त हुई, 630 वोट कांग्रेस को आए और 630 वोट उनको आए, 630 इन सब की ज़मानत जब्त हो गई। और यहाँ से सारे मुसलमान उम्मीदवार थे उस वक्त, बीजेपी का उम्मीदवार खामोश बैठ गया रूलिंग पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में। कांग्रेस को आवाम ने वोट नहीं, 630 और उनको 630, ये सबके बीजेपी कांग्रेस वो जो साहब थे उनकी सबकी ज़मानतें जब्त हुई। ये मजलिस इत्तेहादियों से कारनामा है और एक जोश लोगों में है, जज्बा है, मजलिस की मोहब्बत है जो आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्की करते जा रही है। निजी प्रश्न, जिस तरीके से आपको सब लोग मामू मामू कह के बोलते हैं, इससे क्यों बोलते हैं ऐसा? देखिए ये एक मोहब्बत है, मामू का मतलब ये है कि माँ का मुँह, तो लोग चाहते हैं मुझे और मामू कहते हैं। और मामू का किस्सा भी ऐसा है कि हमारी क्रिकेट टीम थी उसमें मैं खेलता था, तो मैं ज़रा सीनियर था तो बच्चे थे, हालांकि मैं कॉलेज को खेलता था, निज़ाम कॉलेज को खेला, मगर बच्चे बोलते थे अब यहाँ खेलो मामू यहाँ खेलो, उसमें हमारे भांजे भी थे उसमें खेलते थे, तो जब उन्हें मामू बोलते थे तो वो टीम में सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी खेलते थे यहाँ पर, यहीं पर आते थे, तो उन्होंने भी मुझे मामू, वो भी मुझे मामू पुकारते थे और आज भी मुझे मामू पुकारते हैं। तो एक मामू का ऐसा चल गया कि मामू मामू हर जगह हर लोग मामू कहने लगे मुझे। मैं जहाँ भी जाता हूँ तकरीबन शहर में हर लोग, जब हमारे सदर साहब मामू बोलते हैं तो सुनकर सारे लोग भी मामू कहा करते हैं। तो मामू की एक मोहब्बत अलग ही रही थी, वो मोहब्बत आज भी बरकरार आ रहा है। आप देख रहे होंगे एरियो में जो मामू 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 बोल के लोग जैसा निकल रहे हैं, तो यकीनन मामू का जो मोहब्बत है अवाम में हमेशा वो भी बरकरार रहे। अल्लाह से मेरी यही दुआ है कि मैं भी उनकी मोहब्बत का सिला उनको दूँ और उसी तरह से मैं भी उनसे पेश आऊँ और मेरी आवाम को कोई तकलीफ़ ना दूँ। दो मामू का जिक्र हो रहा है, एक तेलंगाना के मामू एक चारमीनार के मामू, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं। आज सदर मोहतरम आज दौरे के दौरान इंटरव्यू में कह दिए, चारमीनार में ये मामू जीतेंगे, तेलंगाना में वो मामू जीतेंगे, ये बोल दिए सदर मोहतरम। वो मामू तेलंगाना में, ये मामू चारमीनार में, केसीआर साहब तेलंगाना में, ये मामू जो है सो चारमीनार में, ये दोनों जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। चारमीनार किला है, चारमीनार की एक मिसाल भी सियासी दिग्गज देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वर्गों को आप विधायक बन जाएंगे तो लेके चलेंगे, तो अब सब वर्गों को लेके चलने का आप विश्वास रखते हैं? देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही यही है कि सारों को लेके चले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है लेकिन साथ ही साथ दलितों की करती है, कमज़ोर तबके की करती है, जो लोग कमज़ोर और बेबस जो है, हम सबकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबकी नुमाइंदगी करती है, सबकी जमात है। आप मजलिस की तारीख़ उठा के देखिए, आप दारुस्सलाम में जाके देखिए कौन कौन दारुस्सलाम में आते हैं मजलिस के काम के लिए, किसी कोई ये नहीं पूछता कि आप इनको वोट दिए, आप ये मज़हब किया, आप ये, हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं क्योंकि इस्लाम नहीं सिखाता। हम ये नहीं सोचते, हम बिला मज़हब और मिल्लत काम करते हैं। और जब मैं पहली मरतबा ये इलेक्शन लड़ा, यहाँ के सारे लोग, यहाँ पूरे दलित बस्ती में सिख भी है क्रिश्चियन भी है, ऑल कम्युनिटीज़ मेरे एरिया में थे, यहाँ पर
सारे लोग मुझे वोट डाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डाले हैं, और आज भी मुझे लोग चाहते हैं, वो लोग भी मुझे मामू कहते हैं। और मेरे मेयरशिप का भी आप दौर देखिए, बिला मज़हब व मिल्लत, बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मैंने काम किया और काम करता हूँ, क्योंकि काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी आवाम का, मैं सबका काम करता हूँ, कोई कम्युनल बात ही नहीं है, हम सबका काम करते हैं। आज भी मेरे साथ कई मेरे दलित भाई हैं, कई मेरे सिख भाई हैं, कई मेरे क्रिश्चियन भाई हैं, सब लोग आज भी मेरे साथ हैं, जमात के साथ हैं। आप देखिए आवाम में जोश, कोसे भी एरिया में जाइए, आप किसके भी हलके में जाइए, आप कहीं भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मामूज करके कहेंगे सारे लोग। अगर आप सिखों की बस्ती में चलिए मेरे साथ अभी मामू बोलेंगे, आप दलित भाइयों की बस्ती में चलिए मामू बोलेंगे, आप उधर हमारे एसटी रहते हैं हमारे भाई वहाँ चलिए सब मामू 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 चल रहा मामू। हम अभी आए थे तो एक हिंदू भाई मिले थे, तो आपके मित्र भी बता रहे थे, पड़ोसी ही बता रहे थे, वो हमें यही बोल रहे थे कि हम जुल्फ़िकार भाई नहीं मामू बोलते हैं, और हम एक ज़माने से जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, बहुत ही अच्छे है। तो जब आपके बारे में हमने बात की तो यही बोल रहे थे कि दिवाली त्यौहार आने को भी 4 दिन है, क्षेत्र और हर डिवीज़न में मामू के लिए दिवाली दिख रही है, इतना उत्साह दिख रहा है हिंदू भाइयों में। यकीनन मैं उनका शुक्र गुज़ार हूँ जो खुशी मना रहे हैं, वो लोग जहाँ भी जा रहा हूँ मैं पटाखे लगा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, उनका शुक्र गुज़ार हूँ, और कैसा उनका एहसान उतारूँ, अल्लाह मुझसे उनका एहसान उतार दे। अंतिम सवाल, आपके चार मीनार विधानसभा में चार मीनार है, मक्का मस्जिद है, चौमल्ला पैलेस है, खुर्शी जादोड़ी है, हर अन्य प्रकार के कई चीज़ें, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा चार मीनार की मंदिर भी है, सब यहाँ चर्च भी है, सब चीज़ है, अन्य प्रकार के हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है।
और मैं सालार मिल्लत का शागिर्द हूँ, काम कैसा करना कैसा करवाना मुझे आता है और इंशाल्लाह मैं करवाऊँगा। नखीब मिल्लत की रास निगरानी में, हबीब मिल्लत की निगरानी में मैं काम करूँगा। और बात चीज़ें मुझे नए बदल भी गए, वो भी मैं उनसे देख लूँगा कैसा करने का है। मच्छी के बच्चे को तीरना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मच्छी के बच्चे को तीरना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद अपना तैरना सीखता है। तो यकीनन मैं सदर मोहतरम की निगरानी में, उनकी क़ियादत में एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का अज़ना सिपाही हूँ, सिपाही था, आज भी सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा, वैसी मैं काम करूँगा। क्योंकि मुझे अपनी कौम से मोहब्बत है, इंजाम करने का जज्बा है और जमात से मेरी मोहब्बत है, जमात से मोहब्बत है। मैं जमात के नाम को कभी ख़राब करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, ना किसी को करने दूँगा। जमात को बदनाम करने की कोशिश करूँगा, जमात का नाम ख़राब करने को, मैं यकीनन जमात से मोहब्बत है, मेरे सदर से मोहब्बत है, मैं सदर का एहतराम करता हूँ मैं, और मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी एहतराम करता हूँ, जिन्होंने आज जो सालार मिल्लत के इंतकाल के बाद जो जमात का बेड़ा उठाया है, ऐसी जिम्मेदारी से काम लेके चल रहे हैं। जमात को किसी किस्म की वो नहीं है, जमात का नाम अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने काफ़ी कुछ ऊंचा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाली सियासत भी नहीं करती, सियासत नहीं बोलती, हर शोबे में आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसी काम होगा हल्के चार मीनार में, वैसी काम होगा सदर मोहतरम की निगरानी में, आप देखिए। मैं यकीनन वैसी एक अदना सिपाही हूँ मजलिस का, वैसी मैं काम करूँगा। ये मेरे साथ AIMIM के चार मीनार विधानसभा के प्रत्याशी मीर जुल्फ़िकार अली बात कर रहे थे, कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।